नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं त्रितं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मा अववक्तारं अवश्रोतारं अवदातारं अवधातारं अवानुचारं अवशिष्यं अवपश्चातात् अवं पुरस्तात् अवोत्तरात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवोदरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमीष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यानन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मा भूर्भुवः सुवरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्रम् एतत्त्वमनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तय रूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्यागणनायक ऋषिः निश्चृद्गायत्री छन्दः गणपतिदेवता ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते स्तुलम्बोदराय कदम्बाय विघ्ननाशिने शिवसुताय वर्णमूर्तये नमः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शिव की पत्नी पार्वती ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से एक बच्चे का एक आकार बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए और शिव कहीं से आकर लैंड हुए और अपनी तलवार के एक झटके से उन्होंने लड़के का सिर उड़ा दिया। अब उन्हें बच्चे को वापस जीवित करना ही था, तो उन्होंने आसपास देखा, गणों के अंगों में हड्डियां ही नहीं थी और वो ऐसी बोली बोलते थे जो किसी के समझ में नहीं आती थी, क्योंकि उन्हें एक ऐसा सिर मिला जो इंसान का नहीं था। वो अत्यधिक प्रतिभाशाली थे। तो मानसरोवर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी शिव वो थोड़े घुमक्कड़ किस्म के गृहस्थ हैं, वो दूर निकल जाते हैं, तो उनकी पत्नी पार्वती कैलाश में रहने की बजाय वो यहां नीचे आ जाती हैं, क्योंकि वहां सब बर्फ ही बर्फ है। वो यहां नीचे आ जाती हैं, यहां कम से कम ठंडा पानी तो है, तो वो ज्यादातर यहीं रहती हैं। तो कैलाश के बजाय मानसरोवर में ज्यादा समय बीता, इसलिए यहां कई चीजें हुई। उनमें से एक चीज ये हुई कि गणपति का जन्म यहां हुआ, तो उनका सिर हाथी का नहीं है, वो गणपति हैं। गण मतलब वो गण जो शिव के साथी हैं। आमतौर पर उनकी व्याख्या विकृत और विक्षिप्त इंसानों की तरह की जाती है, या जीव इंसान नहीं, उनका रूप इंसानों जैसा नहीं है, अजीबोगरीब रूप है। और उनके हाथ पैर ऐसे थे जिनमें हड्डियां नहीं थी, बिना हड्डियों वाले हाथ पैर, और वो ऐसी बोली बोलते थे जो कोई और नहीं समझ सका। वो बोलते तो बेसुरा कोलाहल होता था और लगता था कि वो हमेशा मदहोश रहते थे, या कम से कम वो ऐसा बर्ताव करते थे। तो उन्हें गण पुकारा गया और वो शिव के परमानेंट साथी थे, हर समय उनके साथ रहते थे। दूसरे आए और गए, पर वो हमेशा वहीं रहे। तो ऐसी ही एक यात्रा पर शिव निकले, तो वो 12 साल के लिए चले गए। इसके हम कई सांस्कृतिक और वैज्ञानिक कारण बताते हैं कि वो क्यों 12 साल के लिए गए, क्योंकि ज्यादातर जब भी वो गए वो 12 साल के लिए गए। तो एक बार जब वो गए हुए थे और जब वो 11-12 साल बाद वापस लौटे, पार्वती यहाँ झील के किनारे बैठी हैं। मैं चाहता हूँ आप इसकी कल्पना करें, एक अकेली स्त्री मानसरोवर के तट पर बैठी हैं और वहाँ कुछ भी नहीं है। उनको एक बच्चा चाहिए। वो एक बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही हैं, क्योंकि शिव का बीज मानव नहीं है। तो ये साफ है कि उनका बच्चा नहीं हो सकता। पर जब वो अकेली होती हैं, जब वो शिव के साथ होती हैं, तब वो ठीक रहती हैं। जब वो लंबे समय के लिए चले जाते हैं, उनकी ममता जाग उठी और उनको एक बच्चा चाहिए। तो एक दिन उन्होंने अपने पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगाया, कुछ समय इंतजार किया और फिर धीरे धीरे उस पूरे लेप को निकाल दिया। जब आप ऐसा करते हैं तो कुछ मात्रा में आपकी त्वचा या उसकी कोशिकाएं साथ में आ जाती हैं। इसका उपयोग करके और अपनी तांत्रिक शक्तियों से उन्होंने उसे एक बच्चे का आकार देकर उसमें जान फूंक दी। एक सुंदर सा छोटा बच्चा आ गया और उसका साथ पाकर वो बहुत खुश हुई और वो बड़ा हो गया। वो बस दो ही थे और कोई नहीं था, और शिव कहीं से आकर लैंड हुए। कोई नहीं जानता वो कहां जाते हैं। वो और उनके साथ ही लैंड हुए, पूरे सब के सब मदहोश और आनंद में। शिव अपनी पत्नी से मिलने आ रहे हैं, वो उस तरह के हैं। और यहां पार्वती को स्नान करना था, तो उन्होंने एक छोटी सी आड़ बनाकर लड़के से कहा कि देखना इस तरफ कोई ना आए। तो बच्चे ने इस कर्तव्य को बड़े, उनको अपनी माँ की रखवाली करने में बड़ा गर्व है, वो हाथ में भाला लिए हुए इधर से उधर टहल रहे हैं। वो चाहते हैं कोई दिक्कत खड़ी हो, उनको यही चाहिए कि कोई आ जाए और वो उसको खदेड़ डाले। वो बड़ी बेसब्री के साथ अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो उस अवस्था में।
और अब शिव और उनके साथ ही आ पहुंचे। तो उनको अपनी पत्नी से मिलना है, वो इसी तरफ चले आ रहे हैं और लड़के ने उन्हें रोक दिया और पूछा, आप कौन हैं? शिव ने कहा, तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन हूं? और अपनी तलवार के एक झटके से उन्होंने लड़के की गर्दन उतार दी और पार्वती से मिलने चले गए। अपनी पत्नी को 12 साल बाद देखकर वो बहुत खुश थे, पर पत्नी ने जब तलवार पर खून देखा और वो चिल्लाई और उन पर आतिशबाजी हुई। अब उन्हें नहीं पता था कि क्या करें, उन्हें लगा 12 साल बाद उनका भव्य स्वागत होगा। यहां वो उन पर चिल्लाए जा रही हैं। उन्होंने कहा, आपको उसे वापस जीवित करना पड़ेगा। वो बोले, ये संभव नहीं है, उसका सिर धड़ से अलग हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, मैं नहीं जानती कि क्या हुआ है, मुझे वो बस जिंदा चाहिए। अब अगर उन्हें अपनी पत्नी चाहिए तो उन्हें इस बच्चे को वापस जीवित करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने अपने आसपास के गणों को देखा। They were all there, ki 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 ki, wiki ki ki ki, like this. वो सब वहाँ ki 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 ki, wiki ki 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 कर रहे हैं। तो उन्होंने आसपास देखा और गणों के लीडर को देखा। उन्होंने उससे पूछा, क्या? उसने कहा, ठीक है। तो उन्होंने उसका सिर काट कर लड़के पर लगा दिया। ये पहला हेड ट्रांसप्लांट था। तो अब बच्चे का शरीर इंसान का है और सिर एक गण का, वो भी गणों के प्रमुख का सिर, और उसका एक अंग है जिसमें हड्डी नहीं है, बिना हड्डी का एक अंग। तो वो गणपति बन गए, गणों के प्रमुख। फिर कहीं कुछ समय बाद शिवकाशी के कलाकारों ने, जो तमिलनाडु में है, क्योंकि उन्होंने कभी कोई गण नहीं देखा था और यह जगह हाथियों से भरी हुई थी, बिना हड्डी का अंग मतलब वो हाथी के अलावा कुछ कल्पना नहीं कर पाए। धीरे धीरे उन्होंने उनको एक हाथी बना दिया। अब वो चाहे जो भी कर लें, आज हर कोई उन्हें गणपति ही कहता है, कोई उन्हें गजपति नहीं कहता। ठीक है, कुछ लोग इन दिनों गीत लिख रहे हैं, वो उन्हें गजपति बोल रहे हैं, पर ये फिट नहीं बैठता। गणेश और गणपति ही जचता है, क्योंकि वो गणेश हैं, वो गणपति हैं, वो गणों के राजा या लीडर या गणों के प्रमुख हैं। क्योंकि उन्हें एक ऐसा सिर मिला जो इंसान का नहीं था, इसलिए वो अत्यधिक प्रतिभाशाली थे। इस बेहद तीव्र बुद्धिमत्ता के कारण उन्होंने कभी भी किसी चीज को अपने जीवन में बाधा नहीं बनने दिया। जीवन की हर बाधा दूर हो सकती है अगर आपके पास पर्याप्त बुद्धि है ना? उन्होंने यही सिद्ध करके दिखाया, इसलिए हम उन्हें विघ्नेश्वर बोलते हैं। उन्होंने सारे विघ्न दूर कर दिए, क्योंकि उनकी बुद्धि उस लेवल की है। अगर आप उनके शास्त्रों को लिखने के बारे में नहीं जानते, तो उन्होंने व्यास से बोला था कि आपका बोलना बंद नहीं होना चाहिए, अगर आप रुक गए तो मैं कलम छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि मैं आपसे बोर हो जाऊंगा। उनकी बुद्धि इस तरह की है। गणेश चतुर्थी का मतलब अपनी तोंद को बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धि को बढ़ाना है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि के लिए ही जाने जाते हैं, न कि अपनी तोंद के लिए। पर आज हम अपने बच्चों को बता रहे हैं, करके बता रहे हैं, कि वो अपनी बड़ी तोंद के लिए जाने जाते हैं, न कि अपने बड़े दिमाग के लिए। वो अपनी बड़ी बुद्धि के लिए ही जाने जाते हैं। तो गणेश चतुर्थी अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, न कि अपने पेट को, कि नहीं? भारत में अगस्त सितंबर के महीने में एक त्योहार होता है जिसे गणेश चतुर्थी कहते हैं। ये हाथी के चेहरे वाले भगवान हैं। वास्तव में उस चेहरे को हाथी का नहीं होना था, उसे एक गण का होना था। कहीं किसी कलाकार ने गलती कर दी और वो हाथी का चेहरा बन गया। It's called Ganapati, that means the chief of Ganas. उन्हें गणपति कहा जाता है, जिसका अर्थ है गणों के मुखिया। तो लोग गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं मिट्टी से, कच्ची मिट्टी से, और उन्हें सुंदर रंगों से सजाते हैं। कुछ लोग बिना रंग वाली मूर्ति पसंद करते हैं, कुछ रंगों वाली। फिर उनकी पूजा की जाती है, उनके पास धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है, संगीत समारोह होते हैं, बड़े बड़े समारोह होते हैं। कुछ लोग बहुत बड़ी मूर्तियां बनाते हैं, 108 फुट ऊंची। मगर उत्सव पूरा होने पर आमतौर पर ये एक हफ्ते या 15 दिनों तक चलता है, लोग जाकर मूर्ति को किसी झील या समुद्र में विसर्जित कर देते हैं, ताकि भगवान जल में घुल जाए। एक देवता बनाइए, उसे लेकर एक दीवानगी पैदा कीजिए,
उसे अपना पूरा जीवन बना लीजिए। उन 15 दिनों या 1 महीने में गणेश के सिवा कुछ नहीं होता। हम वही खाते हैं जो वो खाते हैं, हम वही पसंद करते हैं जो उन्हें पसंद है, सब कुछ उनके जैसा होता है। मगर फिर एक दिन हम उन्हें विसर्जित कर देते हैं। विसर्जन के बाद उनका काम खत्म। सिर्फ यही इकलौती संस्कृति है जो अब भी ये जानती है कि भगवान हमने बनाए हैं। So, he's the symbol of intellectual activity. वो बौद्धिक सक्रियता के प्रतीक हैं, क्योंकि उन्होंने महान ग्रंथ लिखे और जिस ऋषि ने बोल बोल कर ये ग्रंथ उनसे लिखवाए, गणेश ने उनके लिए ये चुनौती रखी कि उन्हें बोलते समय कभी भी रुकना नहीं है, उन्हें लगातार बोलना होगा और वो लगातार लिखेंगे। वो बोले, अगर आप रुके तो उसके बाद मैं नहीं लिखूंगा। ये ऋषि की परीक्षा थी कि वो जो बोल रहे हैं वो वाकई उनके अस्तित्व का स्रोत है या एक विद्वतापूर्ण चीज है जिसे वो अपने मन में गढ़ रहे हैं। तो गणेश ने कहा, अगर आप बिना रुके बोले तभी मैं लिखूंगा, आप कहीं रुके तो एक बार अपनी कलम नीचे रखने के बाद मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। तो व्यास ऋषि लगातार बोलते रहे। ये काम महीनों चलता रहा। गणेश एक भी शब्द छोड़े बिना लिखते रहे। वो सबसे बेहतरीन स्टेनोग्राफर थे। वो मानव बुद्धि के प्रतीक हैं। ये प्रतीकात्मक रूप से बहुत सही है, क्योंकि आपकी बुद्धि की प्रकृति यही है। आप जागरूकता के साथ कुछ कल्पना करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अद्भुत कल्पना, हाथी के सिर वाला आदमी, हाथी का सिर, क्योंकि धरती पर यही सिर सबसे बड़ा है। इसका मतलब है ढेर सारा दिमाग। तो मानव बुद्धि का प्रतीक और उनका विसर्जन इस बात का प्रतीक है कि अगर आप अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें तो आप दुनिया को विलीन कर सकते हैं। अपनी बुद्धि की गतिविधि को विलीन करना कोई समस्या नहीं है। एक बार आप अपनी कल्पना से दुनिया को विलीन कर दें तो कल्पना को गायब करना कोई बड़ी समस्या नहीं है। आप अपनी कल्पना से ब्रह्मांड को मिटा सकते हैं। आपके अनुभव में ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं होगा अगर आप एक शक्तिशाली कल्पना करें। मगर कल्पना को बंद करना अधिक सरल प्रक्रिया है। अगर कल्पना जागरूकता के साथ विकसित की गई है तो उसे बंद करना आसान है। फिलहाल कल्पना हिस्सों में हो रही है और बिना जागरूकता के फिर उसे रोकना नामुमकिन लगता है। तो यह पूरा उत्सव इसका प्रतीक है कि हम उन्हें बनाते हैं और आपको उनके आसपास होने वाले जश्न को देखना चाहिए। आमतौर पर उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर रखा जाता है। निजी मूर्तियों को हर घर में रखा जाता है। इसके अलावा सड़कों में विशाल मूर्तियां रखी जाती हैं। कई सड़कें इन 15 से 30 दिनों के लिए बंद रहती हैं। ट्रैफिक रुक जाता है। वो सड़क के बीचों बीच विराजमान रहते हैं। उनके आसपास बड़े उत्सव, संगीत जैसी चीजें होती हैं। इस दौरान लोग उनके आसपास ही रहते हैं, मगर समय आने पर वो जाकर उन्हें विसर्जित कर देते हैं और हो गया। वो चले जाते हैं। अगले 1 साल कोई उनके बारे में नहीं सोचता। अगर आप अपनी कल्पना और बुद्धि के साथ पूरी तरह यही कर सकें, ये मन या ये गतिविधि जिसे हम मन कहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप इसे साफ साफ समझ लें। आपका मन कोई पूर्ण वस्तु नहीं है। यह सिर्फ एक खास तरह की गतिविधि है। गतिविधि नहीं तो मन भी नहीं। हाँ या ना? मान लीजिए अभी आपके पास कोई विचार नहीं है। क्या आपके पास मन है? ओह, मेरे पास मन है? मेरे पास मन नहीं है? हाँ, आपके पास है, क्योंकि यह एक विचार है। अगर विचार नहीं है तो मन जैसी कोई चीज नहीं है,
क्योंकि ये एक तरह की गतिविधि है। Consciousness is capable of being here. चेतना बिना किसी गतिविधि की मदद के भी मौजूद हो सकती है। गतिविधि चेतना का निर्माण नहीं करती, चेतना गतिविधि का निर्माण करती है। मैं हाथ हिलाता हूं, हाथ मुझे नहीं हिलाता, मैं हाथ को हिलाता हूं। इसी तरह मैं अपने मन को चलाता हूं, इसका उल्टा नहीं, लेकिन अभी इसका उल्टा ही होने लगा है। आपके मन की प्रकृति ही आप बन गए हैं, है ना? आपका मन जितनी पागलपन की चीजें करता है वही आपका गुण बन गया है ना? अब इन भूमिकाओं को पलटना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप अपने मन की प्रकृति को तय करें तो कुछ असाधारण हो सकता है। अगर आपका मन आपकी प्रकृति को तय करता है तो ये एक संयोग है। ये एक बुरा संयोग है या नहीं? वो स्थितियां तय करती हैं, मगर ये एक संयोग है।